राम राम, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देश में माहौल ठीक वाला वैसे है नहीं कि कोई अपने आप को ठीक कह सके। बाकी वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि 10:30 बजे से हम लोग बहुत परेशान हैं, रात से इतने परेशान हैं कि मतलब कल रात 10:30 बजे से मैं और संदीप भाई जो है हमारे, और ये संदीप भाई हैं यहाँ के पूरनपुर के, उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी मैंने, लेकिन कुछ सेफ्टी के पर्पस से या कुछ भी आप मान लीजिए, और संदीप भाई भी और हम भी बहुत परेशान हैं। 10:30 बजे हमें बाबा मिले, हम 8 बजे से वेट कर रहे थे बाबा का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का, और उनका वेट कर रहे थे बरेली में। वो मिले हमें, लेकिन कुछ लोगों को हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे बाबा को यहाँ से रिसीव कर लेना, लेकिन कुछ लोग जो है विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों को, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग सोच रहे कि कहीं पूनम ने कुछ करवा ना दिया हो बाबा के साथ, मतलब इतने सारे फ़ोन आ रहे पूनम जी आपने उन्हें वहाँ से छोड़ा था, वहाँ आप मिली थी उन्हें, उसके बाद में नहीं आपको बाबा दिखने को मिल रहे हैं और बाबा नहीं मिल रहे हैं, आप हमें बताओ बाबा कहाँ है। लेकिन भाई सब कुछ समझनी चाहिए एक बात, लेकिन हमें खुद भी समझ नहीं आ रही थी, हम दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। हम भी खुद इतने परेशान हो गए थे, हमें खुद नहीं पता ही वहाँ जाने के बाद में कि वो जो है बाबा है कहाँ पे, बाबा से बात कैसे हो। जब हमारे ये बरेली पार किया, हम खुद भी परेशान थे, और एक मन में एक वो था बेवजह का डर, क्योंकि लोग बहुत वो करना चाह रहे हो कि मतलब ये लड़की जो है कहीं बीजेपी के सपोर्ट ना कर रही हो, ये ना कर रही हो, पोस्टर वायरल ये वो, तो इतने सारे लोग फ़ोन करे जा रहे थे और वो लोग पूछ रहे थे मेरे से कि आपने बरेली मिले थे उन्हें, बस आप बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ छोड़ा, आप बात करवा दीजिए। तो भाई जी सबसे पहले तो एक उन्हें रोकने की इतनी कोशिश करी जा रही थी, मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई, और जगह जगह चप्पे चप्पे फ़ोटो लेकर उनके चक्कर में एक बाबा जी को उठा लिया जो बिल्कुल बाबा की तरह दिखते हैं, और बहुत मुश्किलों के बाद बाबा वहाँ तक पहुँच पाए हैं। और लेकिन मैं उनकी जो टीम है, जो टीम उनको पीलीभीत से जुड़ी है, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने उन्हें पहुँचाया। भी मैंने एक न्यूज़ चैनल पे उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने सारी समस्या बताई, तब जाके जान में जान आई, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पूनम उनको मिली है, कहीं पूनम ने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी, क्योंकि कुछ हमारे यूपी के नेता हैं जिन्होंने विश्वास खोया हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ भाई जी, बाबा मुझे बेटी बोलते हैं, तो एक बेटी अपने पिता के साथ में कभी ऐसा कर नहीं सकती है। बाकी मैं समझती हूँ कि आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र था, बाकी वो ठीक है। अभी एक न्यूज़ उधर की तरफ नेट नहीं चल रहा, लखीमपुर की तरफ नेट बंद है, और बाबा बिल्कुल ठीक है, एक चैनल पर उनका इंटरव्यू भी आया, और मैं कल खुद बाबा को नहीं पहचान पाई थी, आवाज़ से पहचान पाई, मैं हैरान थी कि मैंने कहा देखो ईमानदारी के लिए कितना वो करना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा को नहीं आने देना चाहते थे, और जो कुछ लोग हमारे बीच के लोग भी हैं जो बाबा को नहीं आने देना चाहते थे गुरनाम चढ़ूनी जी को इधर की तरफ, कि ये आकर के कहीं इंसाफ ना कर दे, इंसाफ की बात ना कर ले, इंसाफ की बातें ना कर दे, इसलिए उनको नहीं आने देना चाहते थे कुछ लोग। और 4 भाई हमारे जो थे उन्हें पीलीभीत से उठा लिया, वो भी इतने परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें छुटा दिया गया था थाने में से, बाकी वो ठीक है। और मैं मानती हूँ कि सभी लोग ईमानदार नहीं होते, लेकिन जिन जिन लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है भाई, मैं आपसे बार बार कह रही थी ना कि हमने अपना काम ईमानदारी से किया, हमने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से की, और जो है ये लगा लीजिए आप 8 बजे से हम 10:30 बजे तक उनका वेट किए, और 10:30 बजे 8 बजे से हम लोग नहीं सोए अभी तक भी, पूरा दिन हो गया, पूरी रात हमें निकल गई, हम सो नहीं पाए कि बाबा के बस कोई इंटरव्यू आए, इतने सारे लोगों का फ़ोन आ रहा, मैं कैसे जवाब दूँ सबको, मैं क्या जवाब दूँ सभी को, इंटरव्यू आ रहा था बाबा का, तो तब जा कर के मैं लाइव आई हूँ, इतना लेट मुझे माफ़ करिएगा। बाकी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुँच जाए जिन जिन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, फिर फ़ोन से दूसरे कॉल से कनेक्ट हैं, अब बोल रहे हैं कि वो पूनम जी वहाँ मिली थी बाबा को, पूनम जी से पता करो, तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। और एक बात और कहना चाहूँगी, एक महिला बहुत जल्दी से बिकती नहीं है, महिला अपना जमीर नहीं बेचती है, और ईमानदारी से मैंने अपना काम किया, और आप सभी लोग भी ईमानदारी से करना, ईमानदार लोगों की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे ईमानदार लोगों का हेल्प करके भी अच्छा लगा, सुकून मिला, खुशी महसूस हुई
कि हाँ बाबा ने हम पे भरोसा किया, बाबा ने पूरा भरोसा किया था, लेकिन कुछ लोग उनके साथ कम एज के थे, वो थोड़ा सस्पेंस में थे। मैंने आगे की जिम्मेदारी जिनको दी थी उन्होंने उनको भी थोड़ा सा मान लीजिए प्रोटोकॉल की वजह से थोड़ा घुमाया फिराया, जैसे भी था मुझे नहीं पता, लेकिन विश्वास करना भी सीखिए, या तो विश्वास या किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। ये वीडियो उन तक पहुँचा देना जो लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि कहीं पूनम जी ने ये तो नहीं कर दिया वो तो नहीं कर दिया। तो मैं एक महिला भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, और मैंने 10 महीने से ज़्यादा आंदोलन को दिए हैं, तो मेरी ईमानदारी पे कोई शक ना करे प्लीज़, मेरी विनती है हाथ जोड़ कर। अगर अगर आने वाले समय में भी कुछ ऐसा होता है, मेरी मदद की ज़रूरत जहाँ भी पड़ेगी, जहाँ मेरी मदद पड़ेगी। हैरी मुझे बार बार समझा रहा था कि मैडम आप रो मत, दुखी मत हो, आप परेशान मत हो, सब ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी हेलो करा दो एक बार बाबा से फ़ोन पर, हेलो करा दो भाई, हेलो करा दो, जिससे कि मैं हेलो करके उनसे मान जाऊँ कि हाँ वो ठीक है। वो बार बार मुझे समझा रहा आप परेशान मत हो, आप इतनी हिम्मत वाले हो, आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शक कर लेते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स के जरिए मान लीजिए, या कुछ लोग आप जैसे ईमानदार लोगों को बदनाम करना चाह। मैं हैरी संदीप जी मुझे बहुत समझा रहे थे, संदीप जी ने बोला मैडम आप टेंशन ना लो, आपकी तरफ एक हाथ भी उठेगा ना, एक उंगली भी अगर उठेगी तो मैं आपके साथ हूँ, सभी लोग आपके साथ हैं, आप घबराइए नहीं, हमें पता आपने अपना काम कितनी ईमानदारी से किया। संदीप जी बहुत बहुत थैंक यू आपको, हैरी जी बहुत थैंक यू, मनक्रीत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने विश्वास बरकरार रखा, जो मैंने अपना विश्वास जमाया हुआ आपने उस विश्वास पर विश्वास करा, धन्यवाद। आने वाले समय भी अगर ऐसी ज़रूरत मेरी पड़ी तो कोई नहीं, एक दूसरे की मदद करके ही, सहयोग करके ही आंदोलन को मजबूती मिलेगी। और कुछ लोग नेता जो थे ईमानदार नेता को वहाँ पहुँचने से रोक रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि ईमानदार नेता रुके, और मैं चाहती थी कि वो पीड़ित परिवार से मिल कर आए, और वो मिल कर आए, उनका वीडियो भी आया रोजाना स्पोक वाले चैनल पर, आप देख लीजिएगा। और दिल से धन्यवाद स्पोक वाले भाई को, शेषव को, कि आपने वीडियो जारी किया, मेरी जान में जान आई है, और बाकी सब ठीक है। और आप सब लोग एक दूसरे की मदद करते रहिए, अगर ऐसे आप शक की कड़ी से देखेंगे, शक की निगाह से देखेंगे, तो धीरे धीरे सब लोग टूट जाएंगे, और यही सरकार चाहती है। आप अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बाबा जी एक बार फ़ोन करके मुझे बता देना कि बेटी मैं ठीक हूँ।